बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्रोज़न अफ़गानी सीख कबाब कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। इसके कबाब आप बना कर रख लें और जब आप चाहें तो इसको निकालें और बस मसाला बनाएं और इसको रेडी कर लें मिनटों में। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ब्रेस्ट का कीमा बना लिया है चॉपर में, और यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने प्याज और 8 हरी मिर्ची उसको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। अब इसका पानी निचोड़ कर मैं इसके अंदर डाल दूँगी कीमे में। 1/2 कप इसके अंदर मैं ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ, 2 खाने के चम्मच इसमें फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, 2 चाय के चम्मच हिमालयन नमक, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चाय के चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप्ड हरा धनिया और पुदीना डाल रही हूँ इसमें, 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मैं मक्खन डाल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर फैट्स नहीं होते हैं इसलिए मैं इसके अंदर आर्टिफिशियल फैट्स डाल रही हूँ, यानी कि मक्खन। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको मिक्सचर पतला लगे तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स और डाल सकते हैं। मिक्सचर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर। मिक्सचर मैंने फ्रिज में रख दिया था तो ये अब सेट हो गया है। अब इसके कबाब बना लेते हैं। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि मिक्सचर चिपके ना, और इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। जितना साइज भी आपको चाहिए अपनी पसंद के हिसाब से कबाब बना लें। ग्रिल पैन में मैंने ऑयल डाल दिया और ऑयल को गर्म करके आग मैंने स्लो कर दिया। इसको मैं फ्राई कर दूंगी हल्की आग पर। पहले एक साइड से इसको फ्राई कर लेंगे, जब इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा तो उसको फिर साइड चेंज कर लेंगे। अब इसकी साइड चेंज करूंगी। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया। इसी तरह मैं सब कबाब फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो कबाब हैं रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरह बाकी भी कर लूँगी। देखिए सब कबाब रेडी हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। अब मैं इसको ज़िपलॉक बैग में स्टोर कर लूँगी। इसको मैं अब फ्रीज़ कर लूँगी। ये मैंने चिकन सीख कबाब जो फ्रीज़ किए थे इसको मैंने निकाल लिया है, और जब तक कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आते हैं उतनी देर तक इसका मसाला रेडी कर लेती हूँ। 5 से 6 खाने के चम्मच मैंने सरसों का तेल ले लिया है, इसको मैं जला लूँगी। यहाँ पर मैंने 4 छोटी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, ये इसमें डाल दूंगी। और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 20 से 22 काजू ले लिए हैं, ये भी इसमें शामिल कर दूंगी। 10 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, ये भी शामिल कर रही हूँ इसमें। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो इसके अंदर से इसके जो बीज है वो निकाल के इसको शामिल करें। तो ये मैं प्याज के सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और इसको मैंने फ्राई कर लिया तेज़ आग पर। प्याज भी सॉफ्ट हो गया है और हल्का हल्का पिंक भी हो गया है। तो अब इस टाइम पे मैं ये धनिया शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। ये डंडियों समेत ही मैंने कट कर लिया था। बस इसको कुछ सेकंड के लिए इसके साथ ही फ्राई करूँगी और फिर इसकी आग बंद कर दूँगी। अब बस इसको ठंडा करके मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब इसी ऑयल में मैं ये 2 तेज़पात के पत्ते और 4 से 5 छोटी इलायची और 8 लौंग डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। बस इसको फ्राई कर लूँगी कुछ सेकेंड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मसाला पेस्ट बनाया था मैंने ये इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से सारा मसाला बाहर निकलाए। ये देखिए इसमें मैंने पानी शामिल करके भी अच्छे तरीके से इसको एक बार फिर मशीन चला दी थी ताकि अच्छे तरीके से सारा मसाला निकला है। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही काली मिर्च पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट मैं हल्की आग पर भून लूँगी। 6 से 7 मिनट मैंने इसको थोड़ा पानी डाल डाल के 2 से 3 बार अच्छे तरीके से इसको मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1.5 चाय का चम्मच, आप अपने हसबे जायका शामिल कीजिएगा, और 1 कप फेंटा हुआ दही मैंने ले लिया ये शामिल कर रही हूँ। हल्की आग पर इसको कवर करके मैं 5 से 6 मिनट कुक कर लूँगी।
ये देखिए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं, बीच में मैंने एक आध बार इसके अंदर चम्मच भी मार दिया था, तो इसको मैंने कुक कर लिया। अब इसमें कबाब डालने हैं, तो मैं इसको भरी देचकी में शिफ्ट कर दूंगी ताकि इजीली कबाब जो है एडजस्ट हो सकें। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा गर्म पानी शामिल कर रही हूँ, आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप पानी शामिल कर दें। अगर आप थिक पसंद करते हैं तो कम पानी शामिल करें, लेकिन अगर आप रनी ग्रेवी पसंद करते हैं तो उस हिसाब से पानी शामिल कर लें। इसके अंदर मैं क्रीम शामिल कर रही हूँ, ये तकरीबन आधे पैकेट से थोड़ी सी ज़्यादा है, 125 ग्राम होगी, तो मैं मिक्स कर लूँगी। और ये जो कबाब मैंने फ्रिजर से निकाले थे ये शामिल कर रही हूँ, इन कबाबों का वेट तकरीबन 1 किलो है। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं सूखी हुई कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। 5 से 6 मिनट मैं इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं, इसको खोल के चेक कर लेते हैं। इस टाइम पे आप इसका नमक भी चेक कर लें। अब मैं इसकी आग बंद कर रही हूँ और इसमें कोयले का स्टीम दूंगी, तो इसके लिए मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल ले लिया। इसके ऊपर मैं ये देसी घी डाल रही हूँ, इसको कवर करके कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही रहने दूंगी ताकि अच्छे तरीके से जो कोयले का स्टीम इसके अंदर आ जाए। बस फिर हमारी अफगानी कढ़ाई रेडी है, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए तकरीबन 1 मिनट हो गया है, अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार अफगानी कढ़ाई कबाब रेडी हैं। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस इब्न माजा से ली गई है, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी बयान करते हुए इरशाद फरमाया, आदम के बेटे अगर तू किसी चीज़ के चले जाने पर पहली मर्तबा में ही सब्र करे और सवाब की उम्मीद रखे तो मैं तेरे लिए जन्नत से कम बदले पर राज़ी नहीं हूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।